बात करें यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियमावली में होगा संशोधन, तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य लोक सेवा नियमावली में यहाँ पर संशोधन करने की बात कही गई है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है परीक्षाओं का जो है दबाव बढ़ गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर। इसे देखते हुए यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल ने जो है अनुसेवक के 10 पदों को जो है आउटसोर्स से भरने की जो है स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पर जो है 10 कर्मचारी यहाँ पर दे दिए गए जो कि आउटसोर्स से भरे जाएंगे। और साथ ही जो है राज्य लोक सेवा आयोग को यहाँ पर स्थानांतरित की गई भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जो है आयोग की नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर आयोग की नियमावली में संशोधन किया जाएगा UPSC में। और वहीं उत्तराखंड अधीन सेवा चयन की 23 नवंबर की जो परीक्षा होंगी वो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की जारी होगा। और अधिकतर जो है समूह ग की परीक्षाएं यहाँ पर जो है के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान नियमावली में जो है आंशिक संशोधन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर समूह ग की परीक्षाएं कराने के लिए यहाँ पर संशोधन किया जाना है राज्य लोक सेवा आयोग में। और क्योंकि अभी तक जो है ग्रेड बी ग्रेड ए की पोस्ट करता था, तो इसी वजह से। और ये 23 नवंबर की परीक्षाएं यहाँ पर जो है आपके कैंसिल कर दी गई हैं। ये मतलब ये भर्ती परीक्षा आपकी दोबारा से यहाँ पर होनी है।